इतने लंबे अरसे से एक साथ रहते हुए और छोड़ते दुख होता है, लेकिन आप लोग को क्या हो रही है? खुशी हो रही है ना? नहीं, सभी तो हंस ही रहे हैं, खुशियां जैसे मनाई जा रही है, लेकिन विवश है आदमी, इसलिए छोड़ता है। ध्यान रखेंगे, गुरु शिष्य का संबंध अटूट रहा है। और आज नहीं, पूर्व से, चाहे कोई भी हो, चाहे वो भगवान राम रहे हो या श्री कृष्ण रहे हो, सबके गुरु रहे ही हैं। और गुरु और शिष्य का संबंध अटूट रहता है, इसलिए जाने के बाद भी आवश्यकता जिस रूप में पड़ता हो, पठन पाठन में ही सहयोग। ऐसा नहीं समझे कि अब हम लोगों की जुदाई ऐसी हो गई कि पठन पाठन में सहयोग की अपेक्षा होगी तो नहीं मदद की जाएगी, ऐसा नहीं है। आप सब आ सकते हैं यहाँ आकर करके, अभी परीक्षा 17 से है, बीच में भी मिल सकते हैं। ऐसा विदाई नहीं किया जा रहा है कि अब आप लोग को आना ही नहीं है। और हर गुरु का आशीर्वाद हर बच्चों के साथ रहता है, इसलिए आप सबको भी चाहिए कि गुरु के साथ वह संबंध जो शिष्य का है उसको निभाते रहें। यहीं तक, बाकी परीक्षा में जाकर हतोत्साहित मत होइएगा, क्योंकि कल भी बता दिया है कि परीक्षा कोई कठिन नहीं होता है। पहली बार आप सब जा रहे हैं, इसलिए ऐसा सोचते होंगे कि नहीं कैसे लिखाएगा, कैसे परीक्षा देंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल होता है। और जो यह भाव लेकर जाते हैं उनमें कभी कठिनाई नहीं होती है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है कि वहां कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। मौका मिलेगा तो जैसे मौका मिलेगा वैसे कीजिएगा, चोरी करने का भी अवसर मिलेगा तो खुद से कीजिएगा। बताएंगे।